हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने कार के वाइपर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नॉब होता है वाइपर कंट्रोल नॉब, इससे आप वाइपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके स्टेयरिंग व्हील के सीधे लेफ्ट में ही रहता है, ठीक है। तो ये गाड़ी, ये जो मैं अभी पकड़ा हूँ, ये बलेनो गाड़ी है। तो मारुति के सभी गाड़ी में लगभग ऐसे ही सेम रहता है, ठीक है। तो देखिए, ये एक एक करके बारीकी से समझते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप पूरा कम्प्लीटली इसके बारे में समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाइपर, ये जो सिस्टम रहता है, ये जो नॉब रहता है, ये तभी काम करता है जब आपका गाड़ी चालू रहता है, स्टार्ट में रहता है, ठीक है। अक्सर सभी गाड़ी में ऐसे ही सिस्टम होता है। कोई कोई एडवांस गाड़ी में बैटरी से भी चालू हो सकता है, पर काफ़ी गाड़ी में ये स्टार्ट करने पर ही काम करता है, ठीक है। तो इससे पहले, ऑन करने से पहले, आपको ये जो वाशर, ये जो आपका वाइपर फ्लूइड रहता है, उसको स्प्रे करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके ये जो विंडशील्ड में कचड़े ये सब रहते हैं, तो इसे आप क्लीन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप खाली में इसे चला देंगे तो आपका विंडशील्ड वो स्क्रैच भी हो सकता है। तो इसीलिए पहले इसे आप, इसका जो वाइपर फ्लूइड रहता है, उसे आप स्प्रे करना ज़रूरी होता है। उसे करने के लिए आपको अपने तरफ इसको ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब जो देखे वैसे ऐसे अपने तरफ, अभी ऐसे करने से आपका वाइपर फ्लूइड स्प्रे होगा। ये करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा भी चाहते हैं। तो पहले मिस्ट में देखते हैं, मिस्ट में कैसे होता है। देखिए, इसे एक बार ऐसे ऊपर उठाइए। जब तक आप इसे होल्ड करके ऐसे रखेंगे, तब तक वो वाइपर घूमेगा, उसके बाद कुछ देर के बबाद रुक जाएगा, घूमेगा रुक जाएगा, स्लो से वो काम करेगा, ठीक है। अभी छोड़ देंगे तो ये ऑफ पोजीशन में फिर से आ जाएगा। अभी आप नीचे अगर सिलेक्ट करते हैं INT, तो इसमें भी वो काम करेगा वाइपर, पर बहुत ज़्यादा स्लो से काम करेगा, धीरे धीरे से, ठीक है। और थोड़ा नीचे फिर से लाते हैं तो वो लो स्पीड में घूमेगा। वो INT से ज़्यादा होगा, पर वो लो ही होगा, लो स्पीड में वो घूमेगा, ठीक है। ज़्यादा बारिश, मतलब मीडियम बारिश जब होता है, तब लो में रखने से चलता है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आपको इसे फिर से नीचे कर देना होता है। ये करने से हाई आपका एक्टिवेट हो जाता है, ये हाई जो रहता है, ये नीचे हाई, ये जब एक्टिवेट हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा स्पीड से ये वाइपर घूमने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे वाला वाइपर्स काम करता है। अब बात करें तो पीछे वाले वाइपर्स की, पीछे वाले वाइपर्स भी बहुत आसानी से काम करते हैं। तो देखिए पीछे वाले कैसे काम करते हैं। पीछे वाले वाइपर्स कैसे काम करेंगे, देखिए यहाँ पे रियर लिखा हुआ है, ये अभी ऑफ पोजिशन में है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने से पहले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, ऑफ पोजीशन में ही पहले नीचे ऐसे घुमाना पड़ेगा। ऐसे घुमाने से ये जो वाइपर फ्लूइड होता है, उसे वो स्प्रे करता है, ठीक है। वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कांच घिस जाएगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। पहले इसे ऐसे कीजिए, वाइपर फ्लूइड इंजेक्ट होगा, उसके बाद इसे आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद जो भी आप अभी मिस्ट, इंट, लो, हाई जो भी सिलेक्ट करते हैं ना, वो दोनों में वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपका वाइपर्स कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात, ये ऑन में रहने के ये ऊपर भी ऐसे करेंगे तो भी वो वाइपर फ्लूइड वो स्प्रे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाइपर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो से आप अगर समझ गए सब, या कुछ मैंने छोड़ भी दिया है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।